तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम मैं और रीमा जा रहे हैं यहाँ का गुरुद्वारा। हाँ, और यहाँ पर हम जो कि गुरुद्वारा है वो एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ के गुरुद्वारे और पंजाब के गुरुद्वारे में क्या फ़र्क होने वाला है। तो काफ़ी गर्मी है आज, तो जाना कैसे है? ऑटो में, एज यूजुअल ऑटो है। तो यहाँ पर हमारे लिए हमारी ही मुँह तो है नहीं है, तो ऑटो में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इन दिनों में गर्मी के कारण, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मुझे मालूम है कि जो कि इस स्टेट में मैं आगे भी एक बार आया हूँ, तो उन दिनों में इतनी गर्मी नहीं होती थी, उन दिनों में रेनिंग सीज़न ही होता था, बारिश ही होती थी। बट अभी मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर चौक आ गया मेन, और यहाँ से हम लेंगे ऑटो। और ऑटो में तो ऑटो लेके ऑटो में मिलते हैं। फाइनली हम ऑटो में बैठ गए हैं, और रीमा ने जो कि बहुत ही मार्केट, और आपने देखा ही होगा वीडियो में, और गाइस हम पहुंच गए हैं जो कि यहां पर गुरुद्वारा है, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। यहां पर जो कि आप देख ही रहे होंगे, गुरुद्वारा रोड दीमापुर नागालैंड। तो ये हम पंजाब से हैं, पठानकोट से। मैं आप कहां से? मैं यहां पर अभी तो पंजाब में हूं। कौन सी जगह पे? अच्छा। तो आपके है कहां से घर? पंजाब जलंधर में, सिटी जलंधर में। अच्छा, ठीक है। कितने साल हो गए आपको दीमापुर में? अच्छा, ठीक है। मम्मी लोग भी यही थे, डैडी एक्सटर्न भी, जलंधर चलेंगे आप भी? भाई लोग सब बाहर में, एक साउथ अफ्रीका, जलंधर सब बाहर में। जलंधर वाले सारे बाहर ही होते हैं, जलंधर में कम ही होते हैं। आधा खाना सब बाहर, कोई कोई जर्मनी, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, सब सब जलंधर के घर से दो बोला। इंडिया में क्या कुछ नहीं है, मैरिज उधर ही जलंधर ही हुई हुई है। मम्मी जलंधर की, पंजाब की, अमृतसर की थी शादी, पापा बर्मा के शादी हो गई यहाँ पर दीमापुर सेटल हो 1946 में। अच्छा, 1946 की बात है। पापा यहाँ से सेटल हो गए, कपड़े पर जंगल। अच्छा, ठीक है। यहाँ से शादी हो गई, यहीं पर बिजनेस सेट हो गए, तो यहीं पर थे। अच्छा, उसके बाद पापा गुजरे, मम्मी गए लगभग 10-15 साल ही हो गए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जैसे नागालैंड स्टेट में और भी गुरुद्वारे हैं या मेन? नहीं, नहीं, बस एक ही है। कोहिमा में भी आए? अच्छा, कोहिमा में भी आए। मेन जो है ये यहाँ पर ही है। हाँ, सबसे बड़ा गुरुद्वारा की नागालैंड, नागालैंड का सबसे मेन गुरुद्वारा यही है। ठीक है। वहाँ पर तो हम जाते रहते हैं, हमने सोचा कि इस बार आए इधर, तो हम फर्स्ट टाइम आए। नहीं, मैं तो आगे भी आया हूँ, मेरा तो थ्री टाइम। मम्मी पापा मेरे नहीं, मैं तो पंजाब नहीं रहती वाली, वेकेशन में आई, वेकेशन में ऐसे घूमने के लिए, घूमने के लिए आए। समझ लेती हूँ, बोलती थोड़ी थोड़ी बोलती है, क्योंकि हर जगह तो पंजाबी भी बोल लेते आप? नहीं जी, क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं पंजाबी, अपनी मदर टंग क्यों नहीं बोल रहा, क्यों अपनी पंजाबी भाषा क्यों बोल रहा हूँ? ये तो है, मम्मी वगैरह तो भाई सब पंजाबी बोल रहे। अच्छा, उधर सारे पंजाबी बोल रहे हैं। ठीक है। चलो, आता नू मिल के बड़ा चंगा। तुम्हारा नाम की है? सोनी। सोनी मतलब कास्ट है सोनी या? सोनी मेरा निकनेम है, ऐसे जगजीत कौर। जगजीत कौर है तुम्हारा नाम? ठीक। दुनिया कितनी छोटी होती है, कोई ना कोई अपना मिल ही जाता कहीं ना कहीं पर, और कोई ना कोई अपना मिल जाता। और देखिए, और ये है जो कि नागालैंड का, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये। कितना सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ।
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ? ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸੇ, ਅਭੀ ਇਨਕੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਨਕੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਐਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਹੂੰ, ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੇ, ਉਤਨਾ ਅੱਛੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਆ ਹੁਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਤਾ ਹੈ 12 ਸੇ 1, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਘੁੰਮਣੇ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਕੋ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਸਾ ਫੀਲ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਵੀ। ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਜੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਜੀਏ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਗੇਗਾ ਆਪਕੋ, ਐਸਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਔਰ 1975 ਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਭੀ ਪਾਠ ਭਾਈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕੀ ਤਰਫ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਕੀ ਕਿਚਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਿਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, आप 30 साल से यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है कि 30 साल से यहाँ पर लंगर सेवा करते हैं, सत श्रीकाल जी। तो वो लगे हुए हैं अपनी सेवा करने में, और ऐसे भी आपने देख ही रहे होंगे कि किचन कितनी सुंदर, कितनी साफ़ सुथरी किचन बनी हुई है यहाँ पर, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर किचन के लिए अवेलेबल है। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात लगी नहीं रही, आप देख ही सकते होंगे।